क्या आप जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज के पेशेंट में 10% पेशेंट्स एडवांस पार्किंसन डिजीज से सफर करते हैं और इसका इलाज मुमकिन है। मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन एंड मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट फ्रॉम मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत दिल्ली। पार्किंसन डिजीज एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो नॉर्मली उम्र वाले पेशेंट्स में पाई जाती है। हालांकि यंग पेशेंट्स में भी ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। उनके पेशेंट्स में नॉर्मली कंपन होती है हाथों में, जकड़न होती है। इनिशियल फेज में पेशेंट को मेडिसिन से वो इजीली कंट्रोलेबल है, तो उस कंडीशन को हम हनीमून पीरियड बोलते हैं। पर लेटर स्टेजेस में पेशेंट की बीमारी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, मेडिसिन का इफेक्ट कम हो जाता है। उसको मोटर फ्लक्चुएशंस हम बोलते हैं, 2 घंटा 1 घंटा मेडिसिन का इफेक्ट रहता है और मेडिसिन के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि मेडिसिन लेने के बाद उनको हाथ पैरों में डांस जैसी मूवमेंट्स होती हैं जो हम डिस्काइनेसियास बोलते हैं। इस स्टेज को हम एडवांस पार्किंसन डिजीज का स्टेज बोलते हैं। नॉर्मली स्टेज 3 स्टेज 4 ये होता है। पेशेंट को साथ में मेमोरी डिस्टर्बेंसेज और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेज भी हो सकते हैं। इस स्टेज में जब मेडिसिन से इफेक्ट कम हो जाती है, हम उसको मेडिकली ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम सर्जरी ऑफर करते हैं जिसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोलते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में एक माइक्रो इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन में पास कर दिए जाते हैं और वहाँ से मिलीवोल्ट का एक करंट पास किया जाता है जिससे आपकी जो नॉर्मल सर्किट्स हैं वो रिफॉर्म हो और एबनॉर्मल सर्किट्स हैं वो कट हो जाएं, ताकि पेशेंट्स को इफेक्ट अच्छा आए, उनकी जो ट्रेमर्स है, जकड़न है, उनकी जो ब्रेडिकाइनीजियाज जो धीरे एक्टिविटी होती है वो कम हो जाए, और उसकी वजह से जो मेडिसिन कम होती है, जो मेडिसिन का डोजेज कम हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को मेडिसिन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, जो सिंडोपर रिलेटेड डिस्काइनीजियाज होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। सो सर्जरी में हम पतले वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ब्रेन से पास करते हैं। उसके बाद उसको फिक्स किया जाता है 2 साइड्स पे, या तो वो सबथैलेमिक न्यूक्लियस पे फिक्स किए जाते हैं या GPIP पे फिक्स किए जाते हैं। उसके बाद उन वायर्स को एक बैटरी के साथ एसोसिएटेड किया जाता है जो हम क्लेविकल के नीचे लेफ्ट साइड पे लगाते हैं, और उस बैटरी में ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं और पेशेंट्स को एक माइक्रो स्टिमुलेशन चलता रहता है। उसके बाद इनिशियल प्रोग्रामिंग के बाद पेशेंट्स को फॉलोअप प्रोग्रामिंग की भी शायद ज़रूरत पड़ सकती है। एडवांस पार्किंसन डिजीज पेशेंट में ये सर्जरी एक बून हो सकती है। अगर आपके परिवार में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ये सर्जरी डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं और किसी भी नियर बाय न्यूरोफिजिशियन या मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट हेल्थ केयर अपडेट्स।